बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट बदलने के लिए कसमसा रही है। चर्चाएं हैं कि जल्द ही सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। नीतीश कुमार ने महीने भर के अंदर दूसरी बार अपने पूर्व सांसदों और एमएलए एमएलसी से मुलाकात की है। इससे पहले राज्यसभा सदस्य हरिवंश नारायण सिंह भी अकेले में नीतीश से बात कर चुके हैं। इसी बीच पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने नीतीश कुमार को एनडीए में लौट आने का ऑफर दे दिया है। भाजपा के नेता भले ही ये कह रहे हैं कि नीतीश के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। महाराष्ट्र इसका ज्वलंत उदाहरण है। जिस चाचा शरद पवार का हाथ पकड़कर भतीजे अजित पवार ने राजनीति की राह पर चलना सीखा, अपने फायदे के लिए पलक झपकते ही उन्होंने उन्हें लंगड़ी मार दी। एक झटके में एनसीपी दो भागों में बिखर गई। इसी तरह नीतीश के मामले में भी महागठबंधन छोड़कर एनडीए में लौटना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। पहले भी वे ऐसा करते रहे हैं, कभी इस खेमे में तो कभी उस खेमे में उनकी भटकने की आदत रही है, लेकिन उनका लक्ष्य हमेशा कुर्सी ही रहा है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अपने पटना दौरे के समय कहा कि नीतीश कुमार एनडीए के अच्छे साथी रहे हैं, उन्हें एनडीए में लौट जाना चाहिए। इस पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कहते हैं कि नीतीश कुमार ने भाजपा से अपने संपर्कों का रास्ता बनाकर रखा है, प्रतिद्वंदी नेताओं की बातों को छोड़ भी दें तो आम आदमी भी यही कहता है कि नीतीश भरोसे के आदमी नहीं, वे कब पलटी मार दें कहना मुश्किल है। बता दें कि महागठबंधन में आपसी खींचतान मची हुई है। एक तरफ कांग्रेस मंत्रिमंडल विस्तार न होने की वजह से नाराज है, वहीं ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आरजेडी नेता कई बार नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। कांग्रेस की ओर से नाराजगी कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद ने दर्ज कराई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने पटना में विपक्षी दलों की बैठक के दौरान ही मंत्रिमंडल में अपना हिस्सा मांग लिया। शिक्षा नीति में डोमिसाइल नीति को खत्म किए जाने और कटिहार में हुए गोलीकांड के बाद महागठबंधन में शामिल लेफ्ट पार्टियां भी नाराज हैं। वाम दल इस घटना के बाद सरकार में रहते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। कटिहार गोलीकांड को सरकार की विफलता बता रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस कोटे के मंत्री आफाक आलम ने भी नाराजगी के बीच सुर में सुर मिलाया है। उनका कहना है कि बिजली की मांग को लेकर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, जिस पर पुलिस ने सीधी फायरिंग की, जिसमें कई लोगों की जान चली गई है। बिहार की महागठबंधन सरकार में लगता है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तभी तो नाराजगी जैसे सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ शिक्षा विभाग के मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर 22 दिनों से ऑफिस नहीं जा रहे हैं, उन्होंने खुद को अपने आवास पर बंद कर रखा है। पत्रकारों के कई प्रयासों के बावजूद उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की। वहीं भूमि और राजस्व मंत्री आलोक मेहता भी खपा दिखाई दे रहे हैं। उनके विभाग के भी ट्रांसफर पोस्टिंग को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोक दिया। इतना ही नहीं, विधायकों के सामने भी अधिकारियों की हनक हावी है, अधिकारी उनकी सुनते नहीं। लिहाजा आरजेडी को अपने काम कराने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार ये सब इसलिए कर रहे हैं जिससे उनकी सुशासन वाली छवि कायम रहे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।